गदा ठाकरे पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा मुझे पता नहीं कि वो गदाधारी है, टीवी देखकर लगता है वो गदाधारी हिंदू। देवेंद्र फडणवीस ने कहा आजकल कुछ लोगों को हिंदू होने पर शर्म आ रही है, कुछ लोगों को हिंदुत्व घंटाधारी और गदाधारी लगते हैं। संजय राउत ने नवनीत राणा को डी कंपनी से जोड़ा, कहा डी कंपनी का गुर्गा यूसुफ लकड़ावाला से नवनीत राणा का कनेक्शन। संजय राउत ने ट्वीट कर लिखा लकड़ावाला से राणा ने 80 लाख लिया था, ईडी ने लकड़ावाला को गिरफ्तार भी किया था, जेल में भी लकड़ावाला की मौत। नागपुर पुलिस कमिश्नर से नवनीत राणा के समर्थकों ने की संजय राउत की शिकायत, संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान, कहा गरीब मुस्लिम लड़ाकों को पैसा देकर पत्थर फिकवाते हैं बीजेपी के लोग। दिग्विजय सिंह ने कहा मैं बीजेपी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास ऐसी कई शिकायतें आई हैं, मैं तथ्यों की जांच कर रहा हूं। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का दिग्विजय सिंह पर पलटवार, कहा उनकी अक्ल पर पड़ गया है पत्थर, बिना तथ्य के लगा रहे हैं आरोप, दंगा करना और कराना चाहते हैं। एमपी के रतलाम में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा अभी शस्त्र उठाने का नहीं आया वक्त, जब धर्म की हानि होती है तब उठाया जाता है शस्त्र। दिल्ली में 40 गांवों के नामों को लेकर सियासत तेज, दिल्ली में बीजेपी आज छेड़ेगी ग्राम न्याय युद्ध, दिल्ली सरकार के खिलाफ करेगी धरना प्रदर्शन। दिल्ली में 40 गांव के मुस्लिम नाम बदलवाना चाहती है बीजेपी, आदेश गुप्ता बोले गुलामी के दौर का प्रतीक है दिल्ली के गांवों का नाम, केजरीवाल सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। जहांगीरपुरी के बाद अब दिल्ली के कई इलाकों से हटाया जाएगा वैध अतिक्रमण, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्या ने आज कई इलाकों का करेंगे दौरा, अतिक्रमण का लेंगे जायजा। मोदी कैबिनेट और सीसीए की मीटिंग आज होगी, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, सुबह 10 बजे से शुरू होगी कैबिनेट की बैठक। कोरोना की चौथी लहर की आड़ से एक्शन में पीएम मोदी, आज बुलाई मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग। पीएम मोदी कोरोना के फैलने से रोकने के लिए उपाय और तैयारियों की करेंगे समीक्षा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी बैठक में शामिल। 6 से 12 साल के बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन, डीसीजीआई ने 2 अलग अलग वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी। प्रशांत किशोर ने ठुकराया कांग्रेस का ऑफर, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर जानकारी दी, कहा कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे प्रशांत किशोर। ऑफर ठुकराए जाने के बाद प्रशांत किशोर ने जारी किया बयान, ट्वीट कर लिखा मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा, कांग्रेस अपनी लीडरशिप में सुधार कर। कांग्रेस ने सुनील जाखड़ को सभी पदों से हटाया, सोनिया गांधी ने लिया फैसला। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आज करेंगे बड़ी बैठक, शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक, सभी जिलों के डीएम एसएसपी एसपीसी और बीडी होंगे शामिल। यूपी में मैदान पर उतरेंगे सीएम योगी के मंत्री, सीएम के निर्देश के बाद 18 मंडलों के लिए मंत्रियों की फौज तैयार, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का नया मॉडल होगा तैयार। यूपी के आगामी बजट से पहले सभी मंत्रियों को देना होगा फीडबैक, मंत्रियों की टीम ग्राउंड पर उतरकर लोगों से लेगी सुझाव, जन चौपाल और दलित सहभोज में होंगे शामिल। यूपी के सभी मंत्रियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, अधिकारी भी देंगे अपनी संपत्ति की जानकारी, 3 महीने का दिया गया वक्त। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी, यूपी की जनता का साथ और आशीर्वाद बीजेपी के साथ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आज बाराबंकी दौरा, बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में होंगे शामिल, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, कहा असंवैधानिक, समान नागरिक संहिता मुस्लिमों को नहीं है मंजूर। यूपी के रामपुर में बेकियो नेता नरेश टिकैत की कार्रवाइयों, कार्यकर्ताओं को सलाह, धरने प्रदर्शन में ना समय करे बर्बाद, बीजेपी की तरफ है लोगों का रुझान। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की बढ़ सकती है मुश्किलें, यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दाखिल करेगी हलफनामा। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई, पुलिस ने उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया। राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई, सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल ने लगाई है याचिका। दिल्ली के अधिकारियों पर नियंत्रण का मामला, दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। दिल्ली के भलसवा डंप यार्ड में लगी भीषण आग, कूड़े के ढेर में फैली आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। उत्तराखंड के चामोली में जंगलों में लगी भीषण आग, धू-धू कर जल रही है वन संपदा, आग पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी जल रहे हैं जंगल, लाखों की वन संपदा जलकर राख, आग पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड में जंगलों का जलना जारी, अल्मोड़ा में जंगल की आग से आसमान में छाया धुएं का गुबार, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। यूपी में पुलिस विभाग का साइबर सेल हो रहा है हाईटेक, हर थाने में हुई साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना। सीएम योगी के निर्देश पर गृह विभाग ने बनाई बड़ी कार्य योजना, लखनऊ में बनेगा डिजिटल फॉरेंसिक लैब। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत मृत गोपाल दास की फिर बिगड़ी तबियत, मेदांता पहुंचकर दोनों डिप्टी सीएम ने जाना हाल। यूपी के उन्नाव में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कराया गया कब्जा। यूपी के ललितपुर में रफ्तार का कहर, यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पुल में गिरी, हादसे में 6 लोगों की मौत, 10 घायल।
नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल में हुई ब्रजेश हत्याकांड में 8 लोग गिरफ्तार। मल्टीपल हेड इंजरी से गई ब्रजेश की जान, आबकारी टीम ने पब पहुंचकर की जांच। कूड़ा फेंकने के विवाद में भिड़ी युवतियां, बचाव के लिए पहुंचे युवकों की भी आपस में मारपीट। कानपुर के कच्ची बस्ती का बताया जा रहा है वीडियो। उत्तराखंड में आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला, सीएम धामी करेंगे शिरकत, रुद्रपुर जिले का भी करेंगे दौरा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुड़ा हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से भी टेस्ट करवाने की अपील की। उड़की में आज होने वाली हिंदू महापंचायत को नहीं मिली प्रशासन की मंजूरी, काली सेना के राज्य संयोजक दिनेशानंद गिरफ्तार। भोपाल में सीएम शिवराज 50,000 लोगों को देंगे अपने घर की सौगात, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सौंपेंगे चाबी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर और राजनांदगांव जाएंगे, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 6 ट्रेनें दोबारा चालू, सीएम बघेल ने की थी रेल मंत्री से फोन पर चर्चा। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को साधा निशाना, कहा बिहार में आ गया राक्षस राज, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं, 5 जून को राज्य सरकार से मांगा जाएगा हिस्सा। सिविल कोर्ट के मुद्दे पर बीजेपी जेडीयू के अलग अलग सुर, जेडीयू ने कहा नहीं थोपा जा सकता कानून।